नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में अपराध के मामले बढ़ने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी चिंता बढ़ गई है। वे अपराध पर लगाम लगाने के लिए बैठकें कर रहे हैं। वे हर एक प्रयास कर रहे हैं ताकि अपराध पर विराम लग सके। इसी बीच विपक्षी पार्टी के नेता भी उन पर लगातार हमलावर हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगातार ट्विटर के जरिए नीतीश कुमार पर हमला किया है, तो वहीं अब लालू प्रसाद यादव भी सक्रिय हो गए हैं। दरअसल अब लालू प्रसाद ने ट्विटर के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। लालू ने ट्वीट करके कहा कि बिहार के अनुकंपाई मुख्यमंत्री सह एडिटर इन चीफ अपनी लाख एडिटिंग के बावजूद अखबारों को रक्त रंजित होने से नहीं रुक पा रहे हैं। बिहार में अपराध की सुनामी आई हुई है। प्रतिदिन सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कान में तेल डालकर संवेदनहीनता और स्वार्थ की गहरी नींद में सो रहे हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के आरोप में सजायाफ्ता हैं और अभी रांची के रिम्स में अपना इलाज करा रहे हैं। यह भी बता दें कि बिहार में रोज अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार ने भी आज पुलिस मुख्यालय में डीजीपी एसके सिंघल समेत अन्य सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। बिहार में अपराध इन दिनों चरम पर है। रोज अपराधी कई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अपराधियों में पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं है। आज ही गोपालगंज में अपराधियों ने एक होटल मालिक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बेगूसराय में अपराधियों ने एक बुजुर्ग महिला को गोली मार दी। बिहार में रोज कई हत्या हो रही है, जिसको लेकर विपक्षी लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक की है। बिहार में खराब कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए लगातार परेशानी का सबब बनी हुई है। अपराधियों के सामने पुलिस की एक नहीं चल रही और लगातार आपराधिक घटनाओं को बदमाश अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अपनी नई पारी में 3 बार क्राइम में रिव्यू मीटिंग करने के बाद 4थी बार 23 दिसंबर को पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर आला अधिकारियों को क्लियर मैसेज दे दिया था। बिहार में बीते कुछ महीनों में आपराधिक घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिला है। बीते दिनों अपराधियों द्वारा दरभंगा में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं हाल ही में गोपालगंज में बाइक सवार अपराधियों ने एक पत्रकार को गोली मार दी। घायल पत्रकार का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। हत्या, लूट और अन्य अपराधों के कई मामले सामने आने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार की आलोचना कर रहे हैं। अब राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भी नीतीश सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने ट्वीट करके अपनी बात कही है। बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और अपराध नियंत्रण की दिशा में जरूरी कदम उठाने का निर्देश दे रहे हैं। बावजूद इसके बिहार में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। यही कारण है कि विपक्षी पार्टी के नेता आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके नेतृत्व वाली सरकार पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।